चैनल क्या कर रहे हो तुम? बार बार धुआं मेरे मुंह पे कोई काल ले हो? अरे तुम्हें खुद पता मुझे धुएं से एलर्जी है। अरे धुएं से ही क्या, मुझे तो नशा से ही एलर्जी है। बताना चाचा तुम्हारे होश ही ना आ रहे, धुआं बार बार मार रहे हो मुंह पे, को मार रहे हो यार। देखो चाचा नशा कोई सा भी हो शरीर के लिए साले खतरनाक है। देखो इस शरीर में चाचा गिनती का समय है ना, लीवर और फेफड़े जो है दो दो ही है चाचा। और एक सबसे बड़ी मुश्किल बतलाऊं चाचा, अगर एक खराब होगा ना तो साले दूसरे उसके सदमे में दम तोड़ देवे। इसलिए चाचा देखो हम तो एक ही बात कहेंगे, नशा को बिल्कुल हाथ मत लगाओ, कोई सा भी नशा मत करो। अब देख रहे हो गला और सूख गया मेरा तो बतलाते बतलाते, लाओ एक बीड़ी पिलवा दो बस तुम। रखबीरिया खा कहे को कह रहे है रे, आजकल बहुत बच बच का चल रही है, बोस लगा सेवक राम ने जो ठीक ठाक लगाम का सराखी दीख है। सोमलाल और थारी मजाक करने की आदत गई ना अभी। उई माँ मेरे सोमू, या बोझा सिर पर धर के कहे को भोजन मर रही है, नीचा धर दया मैं उठवा दूंगा। जस्ट पहले उठवा कर 77 में याद तो भूल गई। श्याम मुझे जाने दे, मेरा छोटा पोता आर्यन रोरा होएगा। अरे तू काय दिन जाओ ना, इन आर्यन हरे खिलास बिखिलासी मर जाएगी। कर दिया समाज में टाइम दे देकर बोल लेकर हमारी गेल पे, हम उठवा देंगे धर दया। ओहो मेरे श्याम तू क्या माना, तू तो पूरी जिद्दी है। ओए मां मेरी कमर कोई मुंह तो लगा दो। ला भाई खालिद मेरे कैसे हिल भर दे नीचे को, लथन ने उठवा खाऊं और मैं से लकरों में लड़ाई को लड़ाई हो जाएगी बेचारी गया। चाचा श्यामलाल है रहते तुमसे भी है, जब तुम्हारे ना बस की तो काय को मुकदम बने करो के जी, मैं उठवा दूंगा है। 77 में उठवाता था मैं, अब अपनी उम्र भी देख लो, लिहाज करे कि उम्र का है, शर्म ना रही है। चाची रघुवीरी तुम आओ मैं उठवाऊं, तुम्हारा आयरन रो रहा होगा हाथ के, इस बूढ़े के चक्कर मारियो बतलाओ तुम, इसके तो धर्म ही मान ना। ऐसा खालिद भाई यार मैं शाहूं कुछ मत बोलो, मुझे हर्ट होता है। हाँ नहीं तो वाह खालिद वाह भैया औखनाकर धीरो से हो रो, तारे से बल्ले किंग है तू। चाचा देखो तुम्हारा भी वो वाला काम हो रहा, उम्र तो 55 और दिल 55। ए चाचा मुहावरे के हिसाब से बोल रहा हूँ 55, वैसे तो तुम 80 प्लस हो रहे हो। वाह खालिद सिरवा जो घुमेर से चढ़ रही है, कुछ पल्ला नहीं पड़ रहा यार, वो ठाए के तो खाट पर गिर दे यार। चाचा करो तो तुम आराम करो, मेरे थोड़ा पेट में दर्द सा बनना, चल रहा हूँ मैं जरा। मैं देखो चाची तुमसे लगाव इतना ज्यादा हमारा घर परिवार का आना जाना है चाची खूब, हमको तो तुम भी ऐसे ही हो और हमारे चाचा भी ऐसे ही हैं। पर देखो हमें चाचा की एक बात अच्छी ना लगी, कभी तुम लोग कहोगे भाई तू खाली तू तो इधर की उधर लगावे, पर देखो मैं लगाने वाली बात तो कहना रहा हूँ। ताई रघुबीरी आ रही कल, वहां से कल के आ रही, अब चाचा टोक के बैठकर बतला लगा, बता इस उम्र में अच्छा लगा उन तरह की बातों को करता है। तुम्हारे कल को पोते भी हैं, उनकी शादी भी, हम परेशानी ना आएगी इस तरह की हरकतों से। पर देखो चाची ये वाली बात हमारे अंदर है और अंदर ही रहेंगी, हमने बताना तुम्हें कतई भी कि चाचा रघुबीरी ताई से कुछ इस कदर उस तरह की बातें कर रहा। देखो इससे झगड़े बनते हैं, मैं तुम्हें बतला दूंगा तुम चाचा से करोगी झगड़ा। इसलिए चाची हमारी तो देखो यही, हमारी अम्मी भी ये कहती है, अम्मी ने सिखाया मुझे किसी की घर की धन्ना लगाते हैं बेटे खालिद। इसलिए चाची देखो मैं तो यही कहूंगा, हमको तो चाचा भी इतना ही है और तुम भी इतनी हो, इसलिए कुछ ना हुआ चाची। मेरे तो ऐसे पेट में दर्द हो रहा है, तुम्हारे हाल चल जानने आगा, ऐसा कुछ ना हुआ चाची। पियो तुम भरो घूट चाची, चल रहा हूँ मैं थोड़ा। भाई तो खालिद भी जो है ना सूद आई है, सारी बात बता जा, वो पेट पाप नहीं है कतई भी आके, पर बताओ ना आज कैसे पेट में दर्द बता रहा लेगी डोयन मेरे घर के नवा से उत्ती, यही मारा आएक रही हूँ, मीठी बन के आएक रही जब तो,
एक कुत्ता बुड्ढा है हमारे घर भी, यही मारा चिलमिया की खेत पर सिलके कर रही हूँ, वो ना पता ही। उत्तर मैं ही कहती रहूंगी, तुम भी कुछ कहोगे ना तो मैं चुप कर रहे ना कुछ कह रहे। तेरी बेवफाई को भुला ना सकेंगे, बाबा को अब माँ के पास ला ना सकेंगे, बाबा को तो मिल गई रघुवीरी अपनी, भूल गया जालिम बाबा अपनी पत्नी। ओ बाबा रे, ओ बाबा रे, बाबा रे। तुम चुप हो जाओ, मेरा दुख है मैं ही रहूंगी। रे कैसा रंभारिया बैठी हाँ? ए बाबा तुम अभी खरक में गुजाओ, अभी माँ को दिमाग खराब का ही बात है लेके। और बात तुमसे जुड़ी हुई है, कभी बाद में कहो मुंह बताई। यू रे काटा आने वाले खतरा क्यों हुआ? घंटी घंटी कभी फिर को बतलाई नहीं। घंटी खरक कहाँ बतला रहे बताना, भूखे पेट ही चला जाऊ। अरे तेरे रोटी ना बनाई अभी तक। अरे तेरे बाप ने होटल खोल रखा है के? रावण तू याद के बोल रहा था ना? रखवा रख, खोपड़िया नीचे कर ले, वो सिमा लिया तो मैं गर्म होऊंगा, पकड़ लीजिए मोतन ठीक है। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मैं ठोकरा फेंकने की? तो फंसो ना, कितना बड़ा बदमाश हो मैं फैला। हट जा रहे, छोड़ दे वो छोड़ दे फोन। ए भाई बदमाश, कितना बड़ा बदमाश है तू, गोल इनते तो मर जाएगा ना मरे गोल इनते भी, तेरी ये बदमाशी एक मिनट में लिखा दूंगी। अति बड़ा खड़ा बड़ा दादा। बाबा तुम सिवा लो अपने आप, समझे कर घर की बात है, होशियारी तो कौन लो। अरे होशियारी तो कौन ले रहा हूँ, बगल में बहुत भागू मैं। हर जा, हर जा। नंग नंग, टंग 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 नंग नंग। अरे माँ घर के मामले में हथियार इस्तेमाल नहीं करते। मोदया तू ही बता कहा करूँ यार मैं। वो रघुवीर को जीसू कुत्ते डाया ने मौत तो आएगी सुसरी है। तू कहा कर रहा हो भाई? ए संता ग्राम पर लाइव आ रहा हूँ यार, मर हो रही है जब तक अपडेट तो देना पड़ेगा कोई समाज में ना देना। हाँ सही कह रहा हूँ। तू इंगा का फोन पकड़ते ना क्या, फिर सूदना बैठे सही ले। चालू राग हाँ कतई। छोटी सी दादी मारी रेख रही है, बाबा लिकड़ो बेवफा मारो नू कह रही है, कैसे समझाऊ माँ है कैसे बतलाऊ, फोन पकड़ मुँह है तेज लग रही है, घूसा लगेगा मुँह पे यू लाइव चल रही है, तेरे लाइव के चक्कर में लिकट जाएगी मेरी चड्डी फट रही है। बतलाओ यार, मुझे तो सुन के ही हैरत हो रही है, कहने कराया इस भले आदमी ने चाची के लिए, बतलाओ। बेटा खालिद वो तो याद होएगी ना, तू तो बालक बाटे जुबानी में बेरिया पे कोटेन में बड़बड़ के बेर तोड़ तोड़ खवाया, कटाई हो गई गेहूं की एक दिन खेत में ना जाओ गंदी, ऐसे लाड़ पार करे मैंने यहाँ पे, तू ही बता। चाचा जब इस दिन तुम्हें टोकरे की मार मिल रही है, चाचा एक बात बतलाऊं तुम्हें, इतना लाड़ प्यार जो हो ना सही ना होता, अब हमारे रुखसाना पीठ पीछे भी मेरी बुराई ना कर सके। क्या कह रहे हो तुम, सामने की तो भूल जाओ, जबान ना खुलती उसके हमारे सामने। अरे खालिद हम भी अपने टाइम के बहुत बड़े बदमाश है, चौहों कर निकल जाए पब्लिक डायरेक्ट रही, पर भैया जाके प्यार में सब त्याग दिया हमने तो। तो यकीन ना आ रहा, अपने अब्बा से पूछ लीजो सब बता दे वो सही सही। ये चाचा तुम इस बात को छोड़ो, अब्बा से पूछी मैंने इस बारे में, अब्बा तो ये बतला रहे कि चाची के पीहर वाले आए और तुम्हारी थूत पीट के गई बहुत तकड़ी वाली, जब छोड़ी तुमने बदमाशी। अरे भैया अफवाह निरी अफवाह, सब गलत है। चलो चाचा ये बात मैंने मान ली, जो भी अफवाह या हकीकत, इस बात से अब जो हो रहा है तुम्हारे साथ वो तो बदलने से रहा, अब तो तुम्हारी गांव समाज में पूरी बदनामी हो गई, कहीं जितना रही है गांव में, तो ये तक बात चल रही है कि श्यामलाल के धोरे मत बैठो, उसके घर में इज्जत ना। पर देखो चाचा, अपने सम्मान के लिए इंसान को सब कुछ करना पड़ता, वो घर में हो या घर के बाहर हो,
अब तुम इसमें जो तुम्हारे साथ हुआ टोकरा पोकरा तुम में बाजे हैं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ, देखो अब क्या करना चाह रहे हो तुम? भैया खालिद कहा चाहते उसे मौलनी ना रही, बरबर बस रही, बरबर पता ही नहीं मौलनी। मैं तो भैया नारा हूँ, अब अभी चलते हाथ पाँव में खूब खाक मार लूंगा और दलिया बनाना मुझे आवे। दे बदलाओ यार, मैं तो सुन के ही हैरत में हूँ। कहने कराया इस भली बीरबानी ने उस चाचा के लिए हैं? अरे जब चाची को चाचा की सबसे ज्यादा जरूरत है तो क्या कहता? नुके मैं तो न्यारा होऊंगा है, शर्म लिहाज नहीं उस बूढ़े आदमी को ऐसे शब्द बोलते हुए हैं। ए चाची तुम एक बात बतलाओ, तुमने ऐसा कभी कराया कि जिसे चाचा का दिल दुखा हो हैं? और तुम्हारे लिए आज क्या कराऊं मैंने? भरे समाज में भरी और जात में तुम्हारी बदनामी हुई है हैं? नुके रघुबीरी के साथ यार क्या क्या बातें बन रही हैं बतलाओ हैं? हे चाची हमें सुनकर शर्म आ रही है, और अगला ये और कह रहा कि न्यारा होऊंगा है, न्यारा होएगा ही बूढ़ा आदमी। बताओ किस घर में झगड़े ना होते हैं चाची, एक बात बतलाओ, किस घर में झगड़े नहीं है हमारे घर को छोड़ के बतलाओ? चलो हमारे घर में ना होते हैं मानते हैं, समझदार इंसान, पर घर गए चाची झगड़े हो रहे हैं हैं? और चाचा नखद को देख रही हो, तो कहते न्यारा होऊंगा है। भाई किस तरह न्यारा हो भाई, तेरी दो पोते एक तेरी बीजबानी है ये ना रखी जा रही है। अब देख ले खाली तू कैसी कैसी बातें ने बना रहो, अब मिली है ना रघुबीरी डायन कोई पोपो का खवा दे गया, हो जानता न्यारा हो रहा तो हमारे भी चलते हाथ पाँव में हम भी पो का खा लेंगे, हम ही कब भूखे मर रहे हैं जब हो रहा तो हो जानते। बस चाचा सोमलाल फाइनली है बिल्कुल, अब न्यारे हो गए तो हो गए। अब सब ही बताओ प्रधान जी और कहा करूं, आज तो ठोकरा मारो कल को ईट भी मार सके, बूढ़ी हड्डियां कौन तक झेलेंगी, हमें तो तुम न्यारे करवा दो बस। चाची अब तुम बताओ चाचा तो न्यारा होना चाह रहा हो? ए प्रधान जी अब तो ये हो गई न्यारा, क्या रघुबीरी जो पापा खवा देगी उतनी बिगड़ेल। अरे प्रधान जी देख रहे हो अपने घर की लड़ाई में हमारे बहू का नाम घसीट रहे हैं। बस हेलक रहो मेरे दोस्त मेरे जिगरी, तू उठाओ मत हो भैया, तू यहाँ को वादा से हेलक मैं को आ जा। अरे श्यामलाल तू चुप बैठ जा, तुझे मैं पीछा देखूंगा। बस देख लेगा अभी देख ले, अभी यहीं बैठा हूँ वादा देख ले। चाचा श्यामलाल लड़े ना करते हैं, चुप लगाओ, आप समझदार आदमी हो सामाजिक आदमी हो, समझदारी से काम लो। ऐसे लग रहा तू कहा देखेगा यार, या तो मैं सुधार लूंगी, तू अपने बार रघुबीरी डोया ने सुधार ले पहले। प्रधान जी हम चल रहे अपने घर को, तुम्हारे सामने बेइज्जती हो रही है। और एक बात और, वोट देना तुम्हें हमारी बहू को ऐप लगा रहे हो। चाचा श्यामलाल जब नौ बीच तो हो ना रे भैया सुनील। हाँ जी प्रधान जी। भैया मैं तो ब्लॉक में काम है, मैं तो ब्लॉक में जा रहा हूँ, इनके नारे होने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। ठीक है प्रधान जी। हाँ चाचा जी तुम्हारा और चाची जी का सारा बंटवारा हो चुका है, मेरे हिसाब से तो अब कुछ बचा नहीं है। हाँ जी छोटे प्रधान जी हो देखे तुमने हमारा सारा सबन सट्टो माँ मेरे दादा में वोट मारो, हम कौन जाएंगे दोनों, हमारा का होगा है तो तुम्हारा का होता दोनों का, तुम तो मेरे धर रहे हो गए। अब छोटे प्रधान हम बावड़े बैठे हैं यही धोर रहेंगे, जो हमारे पोते हैं हमारे धोर रहेंगे। अरे अमन तुम ऐसा करो तुम चाचा के पास रह जाओ और नितिन चाचा के पास रह जाएगा। मैं ना रहा हूँ बाबा के धोर प्रधान जी। अरे क्यों? क्योंकि प्रधान जी बाबा जो है ना बस दलिया बना बना खावे और दलिया से लग जा मेरे दस्त, हम तो अपने माँ के हाथ की खाएंगे रोटी और रहेंगे एकदम मस्त। अरे नितिन बेटा तुम रह लो चाचा के पास। प्रधान जी मैं नहीं रह पाऊंगा बाबा के पास, मेरे तब भी दस्त लग रहे हैं, पतड़े पतड़े जा रहे हैं और बाबा की ओर तो लेटरिंग भी न हो। अरे मैं तुम्हारा झगड़ा खत्म कर देता हूँ। अच्छा मन आल चाहिए सूख चाहिए तुम्हें? मैं सूख लेंगे सूख मालो। अरे अमन सूख आ गया, तुम चाची के पास रहो और नितिन तुम चाचा के पास आ जाओ। मेरे पोते आ। हमारा तो नसीब ही खराब है, हमारा तो जीवन ही लैट्रिन बैठे बैठे लिकट जाता दिखे। ये कलिया ये चौबारा
यहाँ आना ना दोबारा के तेरा यहाँ कोई नहीं। आ मत जाइए बुड्ढे, नहीं तो ईट से तेरा सिरा फोड़ दूंगी। छोड़ दिए वो रास्ते जिनसे तुम थे गुजरे,